इमाम हुसैन आगे बढ़े, कहा भैया कोई वसीयत है तो कर लो। वसीयत का जो जमाना था, कहा भैया वसीयत यही है, इस आगे में तो फगसनी फगफिनी, भैया जब मेरी शहादत हो जाए मुझे गुस्ल भी देना और मुझे कफन भी पहनाना और जन्नत वाला काफूर भी उससे मेरा हलूत भी करना। और मैं इतना कहूँगा हसन और तू खुश नसीब है और तुझे पीर हुसैन ने गुस्ल दिया और कफन पहनाया कुर्बान हुसैन और जिसका लाशा पे गोरा कफन। भैया उसके बाद मेरे मैयत को नाले के शरीफ पे ले जाना, अगर दफन होने दे तो ठीक है वरना जज नहीं करनी, हुसैन मुझे बकी में दफन कर देना। अल्लाह अकबर। वसीयतें जब हो गई इमाम हसन ने रोना शुरू किया, हजारों कथा रोने लगे। इमाम ने पूछा भैया क्या जहर की वजह से दर्द हो रहा है इतना रो रहे हो? फरमाया नहीं, ला यौमा कया में कया अबा अब्दुल्लाह, और मैं अपनी मुसीबत में नहीं और मैं तेरे मसाए पे रो रहा हूं। हुसैन अब तुझे इल्म हुआ है और मुझे जहर मिल गया, तू आ गया मेरे सहारे। और मुझे इतना बता और जब दसवीं के दिन अतौरते हुए तुम जना की अधीन से तू दायर उठाने के बल गिरेगा और कौन आएगा तेरे सहारे। गुसल भी मिला और कफन भी मिला, अरे राजा उठा हजामे की जरी की जनाब आए मेरे भाई हो, उधर जनाजा करीब गया उधर कोई खच्चर पे चढ़ के आ गई, उसने ऑर्डर दिया और तीरंदाजी शुरू हुई। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वसीयत के मुताबिक वही जनाजा वापस आया और पहले मुंतजिर थी और जब जनाजा किया था तो कफन सफेद था और जब वापस आया कफन खून आलूद है। अब पहने अपने हाथों से तीर निकाल रही है। आज हाथ खुले हैं वीरासन के जिस्म से।